तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाई नर तन सम नहीं कौन ही देही जीव चराचर जाचत देही नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण राधा। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। परमात्मा जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जहां भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारियों का वर्णन करते हैं वहां दुर्गुण दुराचारों के कारण भागवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी परमात्मा कहते हैं अर्थात मेरे को परमात्मा कहते हैं अर्थात मेरे को प्राप्त किए बिना ये प्राणी अधम गति को चले गए अर्थात वे मरने के बाद मनुष्य योनि में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते, पर वे मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गति को चले गए। संतों की वाणी में और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है, मनुष्य जन्म केवल अपना आत्म साक्षात्कार करने के लिए ही मिला है, मनुष्य जन्म केवल अपना को आत्म ज्ञान प्राप्ति के लिए ही मिला है, मनुष्य जन्म केवल ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए मिला है, मोक्ष और मुक्ति के लिए मिला है कि दोबारा जन्म ना लो। जिस परमात्मा के आप जीव अंश हो उसी परमात्मा को अपने आप को समर्पण कर दो, उसी में उसी सागर को इस बूंद को मिला दो। मनुष्य जन्म इसीलिए ही मिला है, मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है, विषयों का सुख भोग के लिए तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। मनुष्य जन्म सिर्फ अपने कल्याण के लिए ही मिला है, मनुष्य जन्म सिर्फ ब्रह्म ज्ञान के लिए ही मिला है, जीव इसको भूल गया है। स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को, जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है ना उसको मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाला कहा है हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे समस्त उपनिषदों ने, जिसने भी स्वर्ग की प्राप्ति की चाह कही है उनको हमारे ऋषियों ने, हमारे सिद्धों ने, हमारे देव पुरुषों ने उसको तुच्छ बुद्धि वाला कहा है। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भी भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है, ये मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं जीव। मनुष्य अपना जन्म अपने पापों का नाश करके अपना कल्याण कर सकता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान
महान ज्ञान है। भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उस दिव्य ज्योति के दर्शन करके आगे की यात्रा सुलभ कर सकते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है, यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म एक अनमोल रत्न है। जो मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, उस भाव को ही वह प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्य को जिस किसी भाव का स्मरण करने में जो स्वतंत्रता दी गई है, इससे मालूम होता है कि भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया है, अर्थात मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से यह अंतिम जन्म दिया है। अब इसके आगे यह नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर ले, इसके लिए मनुष्य स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है, इसमें यह संस्था स्वतंत्र है। इस बात को लेकर मनुष्य मात्र की परम प्राप्ति का अधिकारी मानती है। सभी वेद सभी शास्त्र मनुष्य मात्र को परम प्राप्ति का अधिकारी मानते हैं। हमारे समस्त ऋषि मनुष्य जन्म को ही परम प्राप्ति का अधिकारी मानते हैं और डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में कहते हैं कि वर्तमान का दुराचारी से दुराचारी पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनि में जन्मा हुआ पाप योनि और चारों वर्णों के स्त्री पुरुष ये सभी भगवान का आश्रय लेके परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। कोई भी वर्ण में जन्म हुआ है वो सभी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विचित्र पाप योनि शब्द कहा है जिससे शूद्र भी नीचे कहे और माने जाने वाले चंडाल यवन आदि तथा पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि सभी लिए जा सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि पशु पक्षी आदि मनुष्य तर प्राणियों में परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता नहीं है, परंतु परमात्मा के अंश होने से उनके लिए परमात्मा की तरफ से माना नहीं है। परमात्मा ने किसी को मना नहीं किया है, परमात्मा की तरफ हर कोई चल सकता है, जीव जंतु पेड़ पौधे एक एक कण चल सकता है, परमात्मा ने किसी को मना नहीं किया, किंतु मनुष्य योनि से बहुत सहज तरीके से ब्रह्म ज्ञान को परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। उनमें से बहुत से प्राणी भगवान और संत महापुरुषों की कृपा तथा तीर्थ और भगवान भागवत नाम से प्रभाव से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। देवता भोग योनि है, वे भोगों में ही लगे रहते हैं, इसलिए उनको अपना उद्धार करना है ऐसा विचार नहीं होता, परंतु वे अगर किसी कारण से भगवान की तरफ लग जाए तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इंद्र को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है, कारण कि भगवान का यह संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से यह अपना कल्याण कर ले, अतः यह अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाए। जैसे भगवान ने अपने भक्त से कहा है, मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार, हे धनंजय मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, तू चिंता मत कर अर्जुन, तू चिंता मत कर, हे पार्थ तू चिंता मत कर, मेरे द्वारा ये पहले ही मारे गए हैं और इनको तू मार दे, तू क्यों चिंता कर रहा है व्यक्ति, तू युद्ध कर तेरी विजय होगी। इसी तरह भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के राग में ना फंसे तो भगवान के उस संकल्प से अन्यास ही मुक्त हो जाए। अगर मनुष्य संसार के राग में ना फंसे ना तो भगवान के जो संकल्प है उससे अपने आप ही मुक्त हो जाए, किंतु मनुष्य संसार राग में फंसता है। भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि साधक की इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए, अर्थात जैसे शाप या वरदान दिया जाता है वैसे ही संकल्प नहीं है, तो फिर कैसा है यह संकल्प। भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जन्म में दी है।
अगर यह प्राणी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करे, अर्थात भगवान और शास्त्रों में विपरीत ना चले, कम से कम अपने विवेक विरुद्ध ना चले, तो उससे भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलना स्वाभाविक होगा। कारण कि भगवान और शास्त्रों में विपरीत ना चलने पर दो अवस्थाओं में से एक अवस्था स्वाभाविक होगी। यहां तो वह शरीर इंद्रिया मन बुद्धि कुछ नहीं करेगा, या केवल भगवान और शास्त्रों के अनुकूल ही करेगा। कुछ नहीं करने की अवस्था में, अर्थात कुछ करने की रुचि न रहने की अवस्था में, मन बुद्धि इंद्रिया आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। कारण कि कुछ ना कुछ करने की इच्छा से ही कृत व अभिमान उत्पन्न होकर अंतकरण और इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है, और अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है। कुछ भी ना करने से ना कृतव्य अभिमान होगा और ना फलेच्छा होगी, प्रतियोग स्वरूप में स्वत स्थिति होगी। शास्त्रों के वेदों की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने की अवस्था, करने का प्रवाह मिट जाता है, वो क्रिया तथा पदार्थों से संबंध विच्छेद स्वयं ही हो जाता है। क्रिया और पदार्थों से संबंध विच्छेद होने पर नई कामना होगी ही नहीं, पुराना राग मिट जाएगा तो स्वतः बोध हो जाएगा, स्वतः स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो अनादि काल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाए जाते हैं। ज्ञान योग से मनुष्य संपूर्ण पापों को तर जाता है। भगवान भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। जो भगवान आज अनादि जानता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान सभी मनुष्य का, सभी जीवों का अधिकार है प्राप्त करना। ये मनुष्य जन्म व्यर्थ ना गवाओ। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे जीवात्माओं, ये मनुष्य जन्म व्यर्थ ना गवाओ, अन्यथा ये नहीं मिलेगा। 84,00,000 में फिर फंस जाओगे। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करके अपना उद्धार कर लो, अपना कल्याण कर लो। मेरा मकसद ही यही है, ये समागम करने का, ये उपदेश देने का, ब्रह्म मोक्ष उपदेश देने का। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान है, इसको पालो और मोक्ष मुक्ति को धारण करो, मोक्ष मुक्ति को धारण करो। मेरे बच्चों, मोक्ष मुक्ति को धारण करो, परमात्मा को याद करो, ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान आप सभी प्राप्त करो। मैं ये चाहता हूं, मेरी इच्छा है आप ये जन्म, अनमोल जन्म व्यर्थ ना गवाओ। इस विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, लोगों के विचार मनोभाव चेंज हो, सब शांत हो, सब आनंदित हो। ओम तत्सत हरि, ओम तत्सत, ओम तत्सत हरि, ओम तत्सत। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं, परमात्मा को कृतज्ञता के साथ में प्रेम सहित प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो परमपिता परमेश्वर परब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर की गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री अयोध्या से पावन पावन भूमि से, पवित्र भूमि से आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय श्री राम सीता राम, जय श्री राम। ओ ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।